आमचा जो एरिया असा रामनगर इज डेन्सली पॉप्युलेटेड मला दिसतं कमीत कमी 800-900 लोक हजारो लोक तिथे राहतात नेअरली 200-300 स्टुडंट्स हॅव टू गो टू स्कूल एव्हरी डे आता हे स्कूल जर आम्ही एका लागे आणत आणि या स्कूलवर जर आम्ही एका हंगासर हाडून दिली जाल्यार इट विल हेल्प देम आणि त्यांचे मगर सर किती वर्ष पहिली पहिलीची मागणी असली तर आय हॅव एक्सप्रेस दिस टू द चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अग्रीड की फर्स्ट स्टँडर्ड स्कूल हंगासर तिथून आमकां हेल्प करतले एप्लिकेशन इज इन फ्रंट ऑफ द गव्हर्नमेंट आय हॅव रिकमेंडेड स्ट्रॉंगली की म्हाका आमच्या भुरग्यांक स्कूल कंपल्सरी जावपाक जाय या स्टार्टींग दीस इनिशिएटिव्ह आमी हांव फाल्यांसून स्टार्ट करता स्कूल गरज असली जसे वशिकान बघून दाखयले की एक स्कुलांत भुरगीं जीं वयता आनी तांकां घरा कडेन तेंचे पेरंट्स आसा आर नॉट एड्युकेटेड ना ते भुरग्यांक सर्टन सब्जेक्ट्स शिकोवपाक लागले ताका लागून ते आमी हांकां एडिशनल क्लासीस दिवन एक आफ्टर स्कूल क्लासीस दिवन ह्या भुरग्यांक शिकोवपाचो प्रयत्न करया अशें करून म्हाका दिली 100 चिल्ड्रन फ्रॉम के जी टू 11-12 स्टँडर्ड थंयसर आमी वयता हेजो सगळो एक्सपेन्स आमी बॅर करता तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा टिचर्स फॅकल्टी जो आपलो टायम ह्या भुरग्यांक दिता स्कूल आनीक कशें इम्प्रूव जातलें स्कूल बिल्डींग न्यू बिल्डींग कशी जातली हेजेर आमी वील बी द नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट इज टू गीव स्कूल रेकग्निशन आनी हांगासर म्हाका दिसता जे स्कूल स्टार्ट जाला वेरी गूड इनिशिएटिव्ह सगळ्या भुरग्यांक एक बरी फेसिलिटी दिली बरी शिकपाची फेसिलिटी ऑल्सो ऑल्सो द फॅकल्टी जे आयज हांगासर शिकयतले दे शूड ऑल्सो टेक केअर ऑफ द चिल्ड्रन हू आर स्टडींग हियर तांकां गीव दॅम टायम गीव दॅम आपले जे आपल्या भुरग्याचे लाड करतले त्याच हितून त्या भुरग्यांकडे पळोवपाक जाय हमारे मिनिस्टर मोहतरम जनाब जयेश सलगांवकर साहब के हाथों से वक्फ पजीद हुई मैं अपने मेहमान का खैर मुकदम भी करता हूँ इनको भी अपने को भी आप तमामी भाइयों को भी बहनों को भी इस स्कूल के खुलने की मुबारकबादी पेश करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से अपने फजल करम से आज हमको पहला कदम उठाने में कामयाब फरमाया आगे भी चलकर हम तमाम लोगों को स्कूल की तामीर और तरक्की में गैर से मदद और कामयाबियों से हम किनार फरमाए बच्चों को इससे क्या हो जाता है जो स्कूल में पढ़ के आने के बाद में माँ बाप को एक टाइम टाइम नहीं रहता माँ बाप बिजी रहते हैं तो इनको कैसा ट्यूशन देना कैसा इनको सिखाना तो ये इन्होंने वहां पे गली के अंदर यहाँ पे मोहल्ले के अंदर सब बच्चों को अपने तरफ से अच्छी टीचर रखे अपने तरफ से पैसा दे के फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे वैसे भी बाकी की जो हमारे दूसरे यूथ बच्चे जो है जिन्होंने उतना पढ़ना सीखा नहीं है उनके लिए भी एक सब लोग मिलजुल के तुम लोग भी जो बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो वो करने के लिए इन्होंने हिम्मत दी है ये बहुत बड़ापन है कि हमारे मिनिस्टर साहब कोई बोलेगा नहीं कि ये अपने स्टाइल से अपने मिनिस्टर के साथ ये तो जैसा कि कौम एक आम आदमी जैसा रहता है किसी के साथ में रहता है इस हिसाब से ये इंसान जो है मैं अल्लाह से गुजारिश करूंगा और मतलब दुआ भी करूंगा कि आगे इसी तरह से हम सबको सब यहाँ पे जितने भी हिंदू क्रिश्चन मुसलमान सब जो भाई है सबके लिए उसी तरह से हेल्प करें और सबको आगे निकालने के लिए कोशिश करें पढ़ाई के लिए